हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मेरा टॉपिक है आईब्रो के बारे में, जो अक्सर जो है लोगों को आईब्रो शेपिंग में और किसी के आईब्रोज में बहुत ज़्यादा गैप्स होता है, किसी के आईब्रोज बहुत थिन होती है, उसको थिक आईब्रोज अच्छी लगती है, तो ये होता है। और आप अभी देख सकते हैं मेरी अपनी आईब्रोज में बहुत ज़्यादा गैप है, तो मुझे जो है थिक आईब्रो अच्छी लगती है, इसलिए मैं ग्रो कर रही हूँ। मगर जहाँ अक्सर रहता हो ऐसा होता है कि जहाँ हमें हमारे हेयर्स चाहिए होते हैं फिल करने के लिए, वहाँ पर नहीं आते, बहुत टाइम लग जाता है ग्रो बैक करने में। और फिर भी ग्रो बैक होने के बाद भी जहाँ हमें अपने बाल चाहिए होते हैं आईब्रो शेप के लिए, वहाँ ग्रो नहीं करते। तो आज मैं बहुत अच्छी एक चीज़ लेकर आई हूँ, ये है बेनिफिट्स का गिमी ग्रो प्लस। ठीक है, आप देख सकते हैं ये आईब्रो टिंट है, बहुत ज़बरदस्त है। इससे जो है अपनी आईब्रोज को फिल करके और बहुत ही एक अच्छी शेप दे सकते हैं, थिक शेप दे सकते हैं। तो चले मैं बताती हूँ कि इसको किस तरह यूज़ करना है, और आपको इसका रिज़ल्ट भी दिखाती हूँ कि ये कैसे इसका रिज़ल्ट आपको फाइन आईब्रो शेप का रिज़ल्ट देगा। ये तो आप देख सकते हैं, दोबारा इसका बॉक्स चेक कर लें, ये देखें बेनिफिट्स का गिमी ब्रो प्लस। ठीक है, ये इसका ब्राउन शेड है, ब्राउन शेड है, और ये देखें इसके जो पैकिंग है वो इस तरह से है। ठीक है, ये देखें इस तरह से है, बहुत क्यूट सी पैकिंग है। ठीक है, तो आप जो है मेरी आईब्रोज में आपको दिखा दूं, देखें बेसिकली मुझे इस एरिया में हेयर चाहिए, मगर यहाँ मेरे ग्रो नहीं कर रहे हैं, बहुत टाइम हो गया, मैं बहुत टाइम से ग्रो कर रही हूँ, मगर जो मुझे जहाँ जहाँ मुझे बालों की ज़रूरत है, आईब्रो के आईब्रो हेयर्स की ज़रूरत है, वहाँ पर ग्रो नहीं हो रहा है। तो मैंने जो है फाइनली मैंने बहुत अच्छी चीज़ डिस्कवर कर ली है, और आज मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाती हूँ। देखें ये देखें इसका ब्रश, बहुत टाइनी सा ब्रश है। अब मैं ये देखें इसको मैं अप्लाई करती हूँ। ब्रश से ये है कि ब्रश से आप इजीली एप्लीकेशन कर लेंगे, इससे कि अक्सर हम पेंसिल से एप्लीकेशन करते हैं और सही एप्लीकेशन नहीं हो पाती, तो ब्रश से बहुत आसान है। और पहले आप अपनी शेप दे लें, जहाँ जहाँ आपको गैप लग रहा है आप अच्छी तरह इसको लगा लें, पर घबराएं मत कि ओ ये आउट ऑफ शेप हो गया है, कोई बात नहीं, इसको हम बाद में कंसीलर की मदद से फिक्स कर लेंगे, मगर जहाँ हमें पहले अपनी एक प्रॉपर शेप देनी है, जो हमें जहाँ जहाँ हमारे आईब्रो में गैप्स हैं उनको फिल करते हुए, और ऐसे देखें ये देखें। सो मुझे थोड़ा सा यहाँ पे लगाऊंगी, इस जगह पे फिल करूँगी, सही है। ये देखें आपने पहले अच्छी तरह इसको फिल कर लिया, सही है, ये हमारी हो गई फिलिंग। अब मैं कंसीलर लूँगी, आप कोई भी कंसीलर यूज़ कर सकते हैं, मैं जो हूँ क्रायलॉन का यूज़ कर रही हूँ। सो ये देखें अब जो है हमें जितनी भी डिज़ायर शेप रखनी है आईब्रोज की, जितना भी हमें आईब्रोज की थिकनेस रखनी है, उसी हिसाब से जो है कंसील करेंगे अपनी आईब्रोज को। अब जो है ब्यूटी ब्लेंडर से इसको जो है ब्लेंड कर दें, ये देखें। ठीक है, अब आप देख सकते हैं मेरा इस आईब्रोज का शेप, और ये देखें कितना डिफरेंस है, और ये जो है बिल्कुल नेचुरल लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी अपनी ही आईब्रोज हैं, मतलब इसका जो ब्राउन उन्होंने शेड दिया है बिल्कुल परफेक्ट है। आपकी स्किन के हिसाब से भी, आपकी आईब्रो के हेयर्स के हिसाब से भी, ये देखें देखें आप देख सकते हैं, ये देखें मेरी ये आईब्रोज आप देख सकते हैं कैसी थी, कितना गैप्स था, और ये देखें कितना अच्छा लग रहा है, मतलब एक प्रॉपर शेप, और एक मेरी जो राइट साइड है वो लिफ्ट फील हो रही है मुझे, ये मेरी दोनों बहुत डिफरेंस मुझे नज़र आ रहा है। तो अब मैं जो हूँ अपनी ये वाली आईब्रो कंप्लीट करके आपको फाइनल रिजल्ट दिखाती हूँ। बहुत ही अच्छा है, ज़बरदस्त है, अगर आपको बेनिफिट्स का ये मिल जाए है, मेक श्योर कि आप जो है वो ऐसी जगह से लें जहाँ आपको ओरिजिनल चीज़ मिले। अब मैं कंसीलर से
मेक श्योर दोनों मेजर कर लेंगे कि दोनों आईब्रोज की जो लेवल है वो सेम है या नहीं, तो वो हम इससे कनेक्ट करेंगे जब वो तो हमें मेजरमेंट हो जाएगी। सो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं दिस इज़ माय फाइनल लुक। सो कितना अच्छी मेरी आईब्रो की शेप लग रही है और बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा कि ये जो है मैंने बहुत ज़्यादा कुछ हैवी पेंसिल से या कोई डार्क कलर किया हुआ है, बिल्कुल ये ब्राउन शेड है बहुत सॉफ्ट। सो मैं एक दफ़ा आपको फिर इसका बॉक्स दिखा देती हूँ। ये देखें गेमी ब्रो बेनिफिट्स का गेमी ब्रो प्लस के नाम से है, ब्राउन शेड है इसका और बिल्कुल नेचुरल लग रहा है और बहुत ही अच्छी मुझे लुक लग रही है अपनी आईब्रोज की। और जिनके आईब्रोज में जो आईब्रो में गैप है कम ग्रो होते हैं बहुत थिन शेप है, वो चाहते हैं कि थोड़ी सी आईब्रोज थिक लगे और एक प्रॉपर शेप आए, तो इसको ज़रूर ट्राई करें। बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, आपको बहुत अच्छी लगेगी और यूज़ करने के बाद मुझे ज़रूर रिव्यू दिएगा कि आपको इसका रिज़ल्ट कैसा लगा। और आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपनी फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो सी यू द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक यू। और ये है ज़बरदस्त चीज़।